आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी के जनसंपर्क अभियान में शिरकत करने मुरादाबाद पहुंचे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शुक्रवार को करीब 2:30 बजे मुंडा पांडे दलपतपुर स्थित हवाई पट्टी पर उतरे। 3:30 बजे मुरादाबाद पहुंचे और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ उन्होंने रोड शो में हिस्सा लिया। रोड शो की शुरुआत शहीद स्मारक पान दरीबा से की गई व शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए गंज रोड टाउन हॉल पर पहुंचकर समाप्त हुई। जनसंपर्क के दौरान सचिन पायलट और इमरान प्रतापगढ़ी का जगह जगह फूल मालाओं से भव्य स्वागत हुआ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चौकीदार चोर है के नारे लगाए, वहीं इमरान प्रतापगढ़ी के समर्थन में भी नारे लगाए। रोड शो के बाद कांट रोड स्थित हमारा होटल में सचिन पायलट और इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि मुरादाबाद में कांग्रेस को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने भाजपा की जनविरोधी नीतियों पर हमला किया और कहा कि मोदी सरकार की नीतियों ने पीतल नगरी मुरादाबाद की कमर तोड़कर रख दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के 5 साल के शासनकाल में देश के संवैधानिक संस्थाओं पर तरफा हमले हुए हैं, दलितों, अल्पसंख्यकों और किसानों पर हमले हुए। अल्पसंख्यकों पर बड़े हमलों का जिक्र करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि 5 साल पहले मॉब लिंचिंग जैसा शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं था, ये शब्द मोदी सरकार के शासन में प्रचलित हुआ। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कितनी असंवेदनशील है। रोड शो के दौरान NSUI, कांग्रेस सेवा दल, यूथ कांग्रेस तथा कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए। इसमें डॉक्टर MP सिंह, असद मौलाई, अनुभव मेहोत्रा, मोहम्मद नदीम, रिजवान कुरैशी, अशोक कपूर, अमित पांडे, अनुराग शर्मा, BP मिश्रा, खाकान मिर्जा, खालिक सलमानी, अहमद खान अंसारी, आजम अंसारी, विनोद गुब्बर, राजेश पाल, मोहम्मद अब्बास मुख्य रूप से शामिल हुए। मुरादाबाद से आलम बारसी की रिपोर्ट। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तमाम उन मुद्दों को हवा दे रहे हैं जिनका जज्बात से लेने देना है लेकिन रोजी रोटी से कोई लेने देना नहीं है। भाजपा ने 5 साल पहले पूर्ण बहुमत हासिल किया था, ये वादा किया, रोजगार होगा, निवेश होगा, औद्योगिकरण होगा, आमदनी दुगनी होगी, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, कालाधन वापस आएगा, आतंकवाद खत्म होगा, महंगाई खत्म होगी। मैं राजस्थान के 25 लोकसभा क्षेत्र हैं, 23 में हम लोग आम सभा कर चुके हैं, 3 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनी, भाजपा को हराया हमने, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है और आज जनता जवाब मांग रही है। हकीकत तो यह है कि अगर आप भाजपा के नेताओं से कुछ सवाल तत्पर रहेंगे, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर यहाँ इमरान जी को टिकट दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मतदान के दिन हम लोग जीत हासिल करेंगे और हमारा मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि इमरान जीत के दिल्ली संसद में चले जाएं। मकसद यह है कि हमारे लोकतंत्र, हमारे गणतंत्र में जो तमाम संस्थानें थीं उन संस्थानों को चुन चुन कर कमज़ोर करने का काम मोदी सरकार ने किया है, चाहे वो जुडिशरी हो, नौकरशाही हो, मीडिया हो, RBI हो, सब संस्थानों को उन्होंने ख़त्म करने का काम किया। और लोकतंत्र में एक अच्छे माहौल में चुनाव में साथियों हमारा भाजपा से विरोध हो सकता है, विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन दुश्मनी नहीं है। ये जो कांग्रेस मुक्त का नारा देते हैं, विपक्ष के लोगों के आवाज को कुचलने की बात करते हैं, ये एक नकारात्मक नफरत वाली राजनीति है जिसका राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी विरोध करते हैं। बहुत अच्छा, हम चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से प्रतिस्पर्धा हो, आपसे अगर मतभेद भी है कोई बात नहीं, लेकिन जनता निर्णय लेगी कि इसके हाथ में सत्ता की चाबी जाए। लेकिन अमित शाह जी ने बोला एक बार वोट दे दो फिर 50 साल तक हम राज करेंगे और कांग्रेस ने इतने सालों तक राज इसलिए किया क्योंकि हर 5 साल जनता ने हमको जिताया भेजा। और आज अगर भाजपा से पूछें तो सारी गलती वो UPA सरकार की बताते हैं। मनमोहन सिंह जी के समय में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हमने बाहर लेकर चलाए, तो हर पैमाने पर अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, नोटबंदी GST से छोटा दुकानदार कमर टूट गई उसकी और पूरे राज्य मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इन मुद्दों पर भाजपा हार चुकी है। आज जो भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग को खंडित करना पड़ा, ये अपने आप आत्मचिंतन का विषय है कि जो लोग संविधान की शपथ लेकर बड़े पद पर बैठे हैं क्या वो ध्रुवीकरण की राजनीति के अलावा कुछ बात नहीं कर सकते। योगी साहब बोलते कि हमने मेरे कार्यकाल में इतने रोजगार हुए हैं, इतनी सड़कें बनी हैं, इतनी नौकरियां मिली हैं, इतना उद्योग लगा है, ना तो गन्ना किसानों की तय हो पाई। और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों में बंटवारा कैसे हो इस पर ध्यान केंद्रित किया गया, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे। हमारा नौजवान दोस्त जिनको पार्टी ने मौका दिया है ये विजयी होकर।